कोई ताकत है मेरी सारी चला सकती है। बंधुओ परमात्मा की कथा शुरू हुई। गंगा जी के तट पर कथा करा रहे सुखदेव जी महाराज के सुना रहा राजा परीक्षित। परीक्षित का मतलब क्या होता? अगर शब्द का अर्थ सीधा सीधा करना हो तो परीक्षित का मतलब होता जो परीक्षा हो चुकी। जो अपनी परीक्षा देकर इम्तिहान से पास होकर खड़ा होकर आगे बैठा है वो परीक्षित। परीक्षित दी सच्चे क्या परीक्षा हो गई है? अश्वथामा ने जरा दुर्योधन का मित्र हरा, उसने अपने मित्र दुर्योधन की एक वचन दिता कि तू मरा है रणभूमि च युद्ध भूमि च, तो हे दुर्योधन मरते मरते बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब दुर्योधन ने कहा हे अश्वथामा पांडवें जो कोई एक मारी उन्हें आख्या एक छद मैं पानी देने का नहीं कोई छड़का। यतन किया उसने पांडवे मारने का, भगवान श्री कृष्ण ने फिर बचाई ले। जिथे पांडव रोज आराम करते थे भगवान ने पांडव ने आख्या आज वातावरण बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ी सीत लहर चला रही है मिठी मिठी, आओ थोड़ा चक्कर लाइए। बंधुओ सतगुरु अगर तुसें की इन्या गया मजाका मजाका ही नहीं कुदर टोरन फिर में ले या तो काम ही सोचो पता नहीं किड़ी सारी आप रिटाल ले या सब। श्री कृष्ण के मैं पंजे पांडव चलिए टहल दे पिछों अश्वथामा आया पांडवें की तुपदे पंजे पांडवे दे पंज जागते हैं खूब खूब पांडवे अंदर। तो द्रौपदी लगे आखन मां अज अस पिताई दी मिस्त्री सही है जिन चर नहीं आते तो लेट लो। बंधुओ अश्वथामा ने पांडव समझ करके पांचों पुत्रों का सिर काटा सोए सोए या पांडव नहीं ले गया दुर्योधन सुते दे सिर बजी रही है। जब दुर्योधन ने देखा कि पूरे चद्दर में बांध के ला रहा है पांडव ने ले आ रहा है सोचे ना सोखा नहीं पूरा कुंभा है मरवाई लिया अपना इन्हें जा एक नहीं मरिया कला जी पांच मारी गया इनी गल सोखी है मेरे लिए बखी कर पली जो जो पाई है मेरी उन्हें एक सिर जहां फड़िया जोड़ा कहने दवाया सिर तो सिर ने कुंगले ने बच्चे बेचारे कोई अली भी थे सके दस पूरे बच्चे मारिया उन्हें कहीं मैं सोते रहे उसे जल्द उन्हें एक सिर चुकी देखिया अगे वह मूर्खा ये पांडव ने जाती है बड़ी तो मरदे मरदे एक बड़ा घोर पाप दिखने की मेरे ते सामने रखी उड़िया पर मेरे कारण ये पाप होया मैं युद्ध भूमि च मरा रहा वीरे की मौत मरा रहा मेरे च भी गौरव पर तू जंदे जंदे बड़ा घरूना काम कराया अश्वथामा जा मैं तेरे मित्र छड़े आ जाया कोई तेरे को मित्रता नहीं तेरे मित्र ध्रोह किया मेरी दुश्मनी पांडवें कन्ने ही होंगे बच्चे कन्ने नहीं भगवान ने राजी रखा कोई भावे बच्चे पांडवे नहीं उन्हें सामू ही पानी देना मित्रा की जल्द दुखी देखिया तो उन्हें मुड़िए आखिया कि मैं मुड़िए वचन देना कि पानी पीने वाला भी कोई नहीं छड़ता। अभिमन्यु का पुत्र गर्भ विच है
इको उए आखिरी निशानी पांडवों की बची नहीं। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा लिए जा रहे हैं वापस द्वारका नगरी कि अच्छा भाई कुंती बुआ, अच्छा भाई सारे की मिली राम राम, एक एक की मिले। अपनी भैन सुभद्रा की सिरा उपर हाथ रखिए, बड़ा इंया किरत किया, लाड़ किया। उसी भी पूछे कोई दस कोई इच्छा भी मांग के। देखो भगवान की भैन है ना, बड़ा फर्क पड़ता। आम लोग खानदानियां देखते हैं कि असर होना बुढ़े बुढ़े का कोई ना कोई बच्चे च। भगवान की भैन ही भगवान ने आख्या बच्चो मैं जा रहा द्वारका वापस, मंगी लै कुछ मेरे कोला। तुंदा पूरा टब्बर कि भगवान आखदा जे एक गल है तो मंगी लो कुछ, जो मंगे हो। सुभद्रा ने आख्या सच्चे सच्चे मां लगी आखन भगवान तेरा मेरा जरा रिश्ता ना भैन ते भराऊ दा खत्म कर। हाँ क्यों मैं कई बार मान लेनी कि मेरा परमात्मा जरा है मेरा भरा है, रिश्ता जरा मान जरा मी के पता तेरे तक नहीं पहुंचे है क्योंकि तू मान ही नहीं चाहता। अच्छा बोला तू मेरा सतगुरु तो मैं तेरी शिष्य यह रिश्ता रखा। भगवान की अखों ही बलोची है, उन्हें गले कने लाई उड़िया अपनी भैनों की लगे बाकी पांडवों की दिखाती है। आखन बुआ देखिया मेरी भैन है किन्हां कोई चीज मंगी सकती है, उन्हें भी बड़ा समझा जाता है जिन्हें लोग मंगो मंगी नहीं करते, उन्हें बड़ा बड़ा समझा जाता है। रहीमन वो नर मर चुका जो नर मांगन जाए। भगवान ने आज्ञा ली, अली निकलन गए लगे बेचारे। इन्ने चिर की अश्वथामा ने ब्रह्म अस्त्र अपना तीर कढ़िया कि जरा ब्रह्मा को थोड़ा बड़ी उदे च शक्ति। सुभद्रा दा बेटा है अभिमन्यु, ते अभिमन्यु दी तराजी पुत्रा तीर अश्वथामा ने ब्रह्मस्त्र जिले कटिया आखी है तीर मारिया क्योंकि पांडवें की जिले पता लगा साढ़े जागते बड़ी हो रहा है पांडवें अश्वथामा की कुछ हूं द्रौपदी का वड्डापन देखो इतने किता अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रही कि शाम होने को पहले पहले अश्वथामा की मारी क्योंकि उन्हें पांच बच्चे सुते दे मारे है। लड़िया उनके कहने मारता सामने कोई परवाह नहीं पर धोखे तो मारे। भगवान ने निखरे थोड़ा अर्जुन की दिन पैरा पैरा पर प्रतिज्ञा लेगा। कई बार फिर मुझे सूरज रोकना पौधा कई बार तेरे पिछले कहीं से आपके करने पौधे तो अखीर अश्वथामा ही फड़ी है ते जुटी है नहीं अंदर बनी है। अश्वथामा को जब लाया ते भगवान की अर्जुन ने रस्ते च पूछा दसो मारे का की करचे मारे का विष्णु भगवान ने आख्या तुरंत मार दो मेरे को कोई मारे ना आख्या गल के सच है कोई फर्क ही नहीं है इसलिए कोई जाओ। भगवान ने आख्या तुरंत खत्म कर तुरंत क्योंकि तो भगवान की पता है द्रौपदी बड़ी ज्यादा है। नहीं 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 मैं द्रौपदी की पूछिए तो फिर जी सजा फिर किसी को देनी है ठीक है फिर पुत्रा जा भुगता जिन्हें नहीं मनती बाद पछतान देनी है। द्रौपदी को जो लेता है उसे बड़ा भरा है युधिष्ठिर वह भी बड़ा धार्मिक है। द्रौपदी की युधिष्ठिर की आख्या कि जो ये फैसला करे उन्होंने किसी योगड़ी सजा दे कि इन्हें सुते दे न्याणे लगे जब इतनी बात कही बंदू
द्रौपदी को युधिष्ठिर को युधिष्ठिर ने कहा नहीं मारना। क्यों नहीं मारना? क्योंकि ये ब्राह्मण है। द्रौपदी की पूछिया दस इसी केड़ी सजा दीती जा बड़े वीर जी ते है बस हर एक तरस तुमते ने ब्राह्मण जे गलत करे तो छड़ना चाहिए उस लेदे कोई ऐसे नियम होंगे होने। युधिष्ठिर फिर लगे आखन छड़ा ब्राह्मण हुंदा दे कोई गल नहीं मड़ा गुरु पुत्र है इहदे प्यो दे कारण अस अज समाज दे विच अपना नाम बनाई पाए हैं। इनके पिता जी नहीं सानू सुनांदे द्रोणाचार्य जी कियां तीर चलाना कियां पग चलानी कियां तलवार चलानी कियां गदा चलानी कियां वखरे वखरे शस्त्रें दी सारी जानकारी की है कियां कियां सारे दे पिता जी को पता लगा ते अज गुरु दक्षिणा इहदे चों कि जाग मार चलदा नहीं इहदा कुछ प्यार करना तुंदे च बड़ा तरस है द्रौपदी पुछने द्रौपदी दसो की करते भीम सेना कहता छोड़ो यार के पुछना मतलब मार बराबर दिखा रहा भीम थोड़ा इन्ना उतावला है। नकुल सहदेव जी की पुछे उन्हें आखे जो बड़ा भरा है ये बड़ी सीखने वाली गल है। देखो ना एक वक्त ही सौ है एक वक्त ही छे पांच है ताई है जितने कभी कथे है ते बड़ी सारे को गल है क्योंकि कृष्ण भगवान से रोक रहे प्यारे भाई बहन बार बार सब ये कहे अर्जुन के भीम आखते होना मारी को नकुल सहदेव आखन जो बड़ा भरा आखा वो ठीक पुत्र तुम्हें भी मारे थे नकुल सहदेव द्रौपदी को लेइए कि छोड़ो बड़े भाई तू दस तेरे पांच पुत्र मरोए ना की किया जाएगा द्रौपदी ने आख्या जे ते सी मारने कने पांच जिंदे हो जांदे ने जे मारी ते जे नहीं हो पांच जिंदे हुंदे इसी मारने कने ते फिर जो मेरी हालत वाली है वो इहदी माऊ दी कहिंदी करियो करन बेचारी नूं इह ते पापी है इसी मारने च किन्ना क टाइम लगना है पर जो हालत मेरी है मैं बिलखा दी हां बार बार उहदे शब्द दिखीए पुत्रे दे उहे हालत अपनी गुरु माता की जरूर करनी चाहिए। धर्म आखदा है कि गुरु पुत्र गुरु समान होता भावे गलती की एक बार इसी माफी देना बनती है। अर्जुन की गुस्सा है कि मारना तो कोई मना नहीं फिर भी अगले ने भगवान जी बखी कि मारे दसो की करा उन्हें क्या मेरी राय जी है ना किसी हो रहा है पर पहले किसी हो क्योंकि मैं तो रस्ते च आख्या है कि खुद मुकदी है मुका मत दे घर से आतंकवादी जरा ना उसकी कोई जात नहीं कोई धर्म नहीं वो जुथे लगता खत्म कर दो हूं दस तू की करना भगवान कृष्ण की अर्जुन फिर चरने च डिगी बेनती लगा करने के तू मैं भरावा सब उंगली फड़ी फड़ी बचांदा आया जो आखी सी सजा देचे बोल भगवान ने आख्या क्योंकि ये गुरु पुत्र है इसलिए इसी मारना नहीं है पर जिहड़ा इन्हें अपराध किया इसी मारना है दोनों काम कठे कर कमाल है ये ग्रह जवाब दिता है गुरु पुत्र है इसलिए अवतार सी मारिया इसलिए मारना गुरु पुत्र है पर जिहड़ी इन्हें करतूत की है पांच बच्चे सुते दे टुके है बड़े है इसी होना ही खत्म करना चाहिए कर इसी मारना भी है नहीं नहीं मारना अर्जुन पगल हो गया कि इतनी गुस्सा चढ़ेगा उपर तुस बरजाता पाई जा युधिष्ठिर के पास बड़े भैया के पास गया कि श्री राम जय 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 तो बंधुओं बड़ी परमात्मा की वचित कमाया है भगवान आखन इसे मार क्योंकि रे करतूत नहीं चंगी और इसे नहीं मार क्योंकि पुत्र है चल दोनों का
बड़े भैया युधिष्ठिर के पास लेकर के गए अर्जुन जी के महाराज इन आखिया जो भगवान ने सुखी करा। उसने युधिष्ठिर ने देखो दुख दे विच भी अपना जिहड़ा बंदा विवेक नहीं खोए दुख दे विच भी समझ नहीं खोए जिले बंदे गुस्सा चढ़ता ना सारे को पहले बेसमझ होता क्रोध सारा दिमाग चक्की होता क्रोध चाहिए फिर बच्चे पता नहीं लगता कि मैं बाबा जी तू आखना या गाल करनी है या कि बुलाना इसलिए जो गुस्से चाहता सारे को पहले जे बाबा कने झगड़े का होने भी इंजा तू तू मैं बुराई हूं हथा पाई बुराई हूं क्योंकि दिमाग खत्म कर उठता क्रोध एकदम चट्टी रखी होगा इसलिए जल्द क्रोध हो सारे को पहले क्रोध उपर नियंत्रण कि सोचेगा जे ती उस क्रोध की जी एक एनर्जी है उसी फ्लो गलत साइड से उड़ेगा तो कोई बड़ा हादसा हो जाएगा बड़ा क्रोध आवे तुरंत ठंडा जहा पानी एक दो गिलास बनाए पी लो उस चीज की उस समय की थोड़ा जहा टाल लो उस समय की जिन्हें कि कंट्रोल करो थोड़ा ठंडा गिलास पानी होगा दो गिलास पानी जिन्हें गल्ला अच्छी लगती है थोड़ा जहां अगले तो ध्यान नहीं लाओ और मैं ठंडे दिमाग में सोचिए मेरे नहीं पंजाब की गल है बंदे बेचारे अपनी सारी तौर खरे ये क्या समझते नहीं भला अभी जनानी कुटी लेने जनानी की दबकाइए रखने खरे ये क्या बेचारे समझते शराब की अलग कट्ठे बेहिए पंजाब के दो चार बंदे सच गल ना नहीं लेना मैं पिंडा का ना बंदे का वो कहने फिर बदनामी मतलब वो बंदे ने जनानी की आख्या लै एक बोतल और लिया अंदर मेरे मित्र आए उन्हें क्या तुम नहीं पीओ है उन्हें तुम दो दो गिलास करिए मुड़िए पीगी होते भाई खराब लगे वो बेचारी जो मुड़ी है और बोतल लैन गई पिछले जो चोट कट्ठे हो गए वे कहने पैंप देने आगे उन्हें आख्या जनानी तेरी है कहते मेरी भी मैं गोली मारी वो भी उठ गया उन्हें बड़े बड़े बुद्धू चुकी कसूर हुई पहले क्रोध चढ़ी गया उसी बड़ा और जिन्हें बोतल तक रही गल करते गोली मारी बाद चले बधेरा फिर पिट है पर मौका नहीं सांभ गया परेशान हो गया तो बंधु जिसले भी क्रोध आता है उसने कुछ भी अपना विचार करियो कि दिमाग इतनी जल्दी खत्म नहीं होता क्रोध सारे दिमाग की चटी होती हो बंदा बिल्कुल अदब नहीं करता निके बड़े का चेता नहीं रहा उसकी मैं किया बड़े ने बुला किया भैने भैन की बुला जिन्हें नहीं किश आखना उन्हें भी तो केवल बुला इसलिए जिन्हें कोई क्रोध च किसा क्रोध में कुछ कोई आखी उड़ा किश आखी भी उड़ा क्रोधी बंदा भी सोचना चाहिए किस दिमाग है कि सोचिए जिसी आखी उड़े उसी भी सोचना चाहिए कि नहीं किस मौके का कसूर नहीं क्योंकि क्रोध का स्वभाव है अपना दिमाग रोल हो गया उसी भी सोच चाहिए जी एक शेर दूगा सवा शेर हो गए लाया छिंज पति भी हो लगे तो बंधु बड़ा विवेक करने विचार करिए बड़े भराओ ने जवाब दिता कि अर्जुन भगवान ने बिल्कुल सही आखिया जवाब है इसी मारना भी है और इसी गुरु पुत्र है आपका ही पुत्र तुम्हारे तो उस भी लेकिन जाता पान मेरी तलवार इस पापी का खून पीना चाहती है इसलिए बड़े भैया आदेश करो मुझे जल्दी मैंने कहा सुन बच्चू जो समाज के बड़ी मान प्रतिष्ठा हो मौत है शरेआम समाज के बहिष्कार किया जाए समाज के अपमान कर लो पूरे मौत है इसलिए इसका सिर मुन उठाइए सिर मुन
अद्धी दाड़ी मुछाउंदी होई और उहदे मत्थे उपर इहां मणी जिही ही इक चमकदी ही उहदे मत्थे उपर आ मणी वी खवांटी लई उसी बेइज्जत करी है हाथ पैर बन्नी है ते धक्के मारी उत्थों कढ़ी उड़िया लगे आखन इहदे वास्ते इह मौत कोला वी पत्तर है जिल्लै बेइज्जती करा दे उहदी मणी खवांटी उह तरले मारा उह की मारी विड़ो मिगी इ'यां ही करिए सुत्यो नहीं मारी उड़िया इत्थे के मुक्की गया सौदा तू भी ऐसा करिए छड़ के पूरी उम्र तू चेता रखी और असें गुरु पुत्र की हत्या भी नहीं कर दी इन्ना लोग मान सम्मान की प्यार करते हे कि वो आखिर भीख मंगे मोती दी उसकी मारी उड़ो पर बेइज्जती नहीं करी उन्हें हाथ पैर बन्ने पूरी जिथे मनी ही मनी खवांटी तो चल बने इस गुस्से दे विच उसने मुड़िए प्रतिज्ञा की कि पुत्रा पानी नहीं कोई देने वाला छड़ेगा तुरा क्योंकि तुम्हें मेरी बेइज्जती की बोला सस्ता हा ओ बोला सौखा हा कि मैं मारी उड़ गई वो मेरे लिए सौखा इसलिए तू अगली बारी मुड़ी आया प्रतिशोध दे विच ब्रह्म शक्ति कड्डी जी ब्रह्मा को प्रदान दे विच ले दी गुरु की कृपा करने ताकि गुरु जने खने की कृपा करिए शक्तियां नहीं दिंदे जिंदा बर्दाश्त का मादा घट हो उनकी शक्तियां नहीं मिलती इन आखी लाओ कि ओदा ओरे कोल होना चाहिए बड़ा कि अंदर बर्दाश्त का मादा हो जे इन कुछले जे बंदे की कुछ आते उन्हें बिठाई बड़ो मेरे तो इन बंदर सुस्तरा बनाने की गल उन्हें अपने के पास लेने जा लाल पास लेने तो ओदा ओदे हथा च होना चाहिए जो कुछ लग रहा है अपनी शक्ति का नजायज प्रयोग करने वाला नहीं है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों भगवान जान गए हैं कि ब्रह्म शक्ति का प्रयोग ये अश्वत्थामा करेगा उन्हें क्रोध बेचानी है ब्रह्म शक्ति अपनी जी ब्रह्मा को गुरु की कृपा करने मिलती ही अपने धनशा पर बान चढ़ाया उत्तरा अभिमन्यु की कराई के गर्भ के अभिमन्यु का पुत्र है उस गर्भ की नष्ट करने वास्ते कहता कोई रोए नहीं पिछे ना निशान बान चला दिया अग्नि की तरह जलती हुई वो शक्ति उत्तरा की ओर बढ़ी उत्तरा बेचारी रोन लगी लगी आखिर भगवान मैं भावे मरी हाँ कोई चिंता है और मेरी कोई पुत्र मोह भी नहीं है मत सोचे मैं पुत्र मोह के कारण रोवा रही हूं सिर्फ मैं इसलिए रोवा रही हूं कि मेरी इस खानदानी च तेरा कीर्तन करने वाला कोई बचना चाहिए तेरा नाम सुमरण करने वाला कोई बचना चाहिए पुत्र उवे जिरा सारी परंपरा भी अगे नवा जिरा परंपरा भी नहीं मन पुत्र यमुना लगी है पुत्र ओ जिरा सारी बनाई दी परंपरा जिहड़ी है अस कौन होंदे बनाने आंदे साडे बजुर्गे दी बनाई दी जिहड़ी परंपरा है उस परंपरा दी उस लीग ही अगे 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 चला उसी पुत्रा ते जिहड़ा आखे नहीं हुण अस दसवीं पास करी आ पढ़ी आ अस इह मन्नदे जी ओकड़े भगवान जी जिहड़े बुढ़े बणदे सारा नवा उसी पुत्र ने आखे सारे डोगरे चाहते लीका लीका गाड़ी चले ते कुलीका चले कपूत ली बनी दी हुए कुदे खड़ा बुड़ा जाए